दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो जेड ओन प्रो के बारे में, जो कि अपकमिंग स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से। और ये बहुत ही खास स्मार्टफोन होने वाला है वीवो का, जो कि इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च की जाएगी। और इसकी लॉन्चिंग इवेंट आपको जून के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन की जो सबसे खास बात है इसका पंच होल डिस्प्ले और इसकी प्राइसिंग। बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के सबसे पहले प्रोसेसर से, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 712 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। साथ ही में इस स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। इस स्नैपड्रैगन का सबसे लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि 700 सीरीज का है। साथ ही में इसमें आपको एंड्रीनो के 660 का जीपीयू भी देखने को मिलने वाला है, जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को आपका काफी बेहतरीन रखने वाला है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की एक फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगी। और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 83.4% का देखने को मिलेगा, और इसकी पिक्सल डेंसिटी आपको 395 पीपीआई देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले में आपको एक पंच होल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। और ये वीवो की अब तक की सबसे लो कॉस्ट वाले स्मार्टफोन होगी, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इसके बैक साइड की, तो यहाँ पर आपको एक ग्रेडिएंट फिनिश देखने को मिलने वाली है, जो कि 3D ग्लास्टिक के साथ आएगी। और आपको बैक में एक ट्रिपल रियर कैमरा स्लॉट देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी आपको एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पर आपको बैक साइड में कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके डिस्प्ले में आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। कहा जैसा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको थर्ड जनरेशन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, जैसा कि रियलमी एक्स चाइना एडिशन में हमें देखने को मिला था। देखते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन में क्या देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको एक 5000 एमएएच की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगी। और मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाए, जो कि 18 वाट का होगा और आपके फोन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही जल्द चार्ज कर देगी। तो अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि फन टच ओएस के साथ आएगी, जो कि वीवो का खुद का है। साथ ही में दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो इसकी बेस वेरिएंट की जो प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज की, उसकी प्राइसिंग आपको 16,999 रुपीज देखने को मिल जाएगी इंडिया में। और इसकी अगर हायर वर्जन की बात की जाए, तो इस स्मार्टफोन की जो हायर वर्जन होने वाली है उसकी प्राइसिंग आपको 18,000 से 19,000 रुपीज के बीच में देखने को मिल सकती है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो बताया ऐसे जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को जून के लास्ट वीक तक इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को जुलाई के फर्स्ट वीक तक इंडिया में देखने को मिल जाएगी। ये स्मार्टफोन कम्पीट करेगी सैमसंग गैलेक्सी M14 जैसे स्मार्टफोन को, जो कि 20,000 रुपीज के अंदर आती है। सो दोस्तों फाइनली आपको 17,000 रुपीज के प्राइसिंग में एक बहुत ही बेहतरीन 712 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको 5000 एमएएच की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले में 32 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाता है। सो एक बहुत ही बेहतरीन डील होने वाली है वीवो की तरफ से। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो फाइनली दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ गुड डे।